पांच साल की एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर समूचे सैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में नेमावर और खाते गांव में भी सैन समाज के लोगों ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार और फांसी की सजा देने की मांग की गई है। सैन समाज द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देकर दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी विशेष न्यायालय में प्रकरण चलाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। वहीं खातेगांव और नेमावर में भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि आरोपी ने 5 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट और कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जो हमारी सैन समाज की बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया, 3 दिन बीत चुके हैं, प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो खुला व्यक्ति घूम रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी रही है। और सैन समाज की बालिका को न्याय दिलाने के लिए हम नेमावर थाने में भी ज्ञापन दिया और खातेगांव एसडीएम कार्यालय में भी ज्ञापन दिया और आगामी सतवास कन्नौज सभी जगह ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द मुजरिम की गिरफ्तारी हो, अन्यथा उग्र आंदोलन का कार्य किया जाए। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया हुआ है हरदा जिले में, उसके खिलाफ सैन समाज में बड़ा क्रोध है, इसीलिए हम आवेदन देना आए हैं एडीएम साहब को। उनसे अनुरोध करना है कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दिलाई जाए। मामला सर्वविदित है कि हरदा जिले के थाना छिपावड़ के अंतर्गत जो ग्राम खेड़ा है, वहां पर एक नाबालिग बेटी के साथ दुराचार की घटना सामने आई है। बेटी वो सैन समाज की नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत की बेटी है और आज उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए सैन समाज उसके साथ खड़ी है। और आज नेमावर, सतवास, कन्नौज, अन्य क्षेत्रों में सैन समाज के व्यक्तियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना कड़ो विरोध जताया है। और आज नेमावर में थाना प्रभारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, खातेगांव में एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय से विशेष मांग की गई है कि 24 घंटे में कल शाम को 4 बजे तक अगर हरदा जिला प्रशासन के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो इसी एसडीएम कार्यालय में संपूर्ण सैन समाज एवं हिंदू समाज के लोग यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।